हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्स न्यूज चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको ज्वाइन करके आप लोग इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम टुडे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टुडे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड है यूरिया, थर्ड ग्लूकोज एंड लास्ट ऑप्शन है K2SO4। तो पूछा है किसके लिए जो है हिमांक का अनुमान जो है वह अधिक होगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, K2SO4 के लिए क्या है हिमांक का अनुमान जो है वह अधिक होगा। अगला प्रश्न है, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है या किसके नियम के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी का नियम, सेकेंड है यूलॉन्ग तथा पेटिट का नियम, थर्ड ऑप्शन है राउल्ट का नियम एंड लास्ट ऑप्शन है ला सातेलिए का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऊपर जो है स्टेटमेंट दिया गया है या जो है राउल्ट का नियम है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन ताप द्वारा टेम्परेचर द्वारा प्रभावित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यता, सेकेंड है मोललता, थर्ड ऑप्शन है मोलरता एंड लास्ट ऑप्शन है फॉर्मलता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो मोललता होता है वही क्या है ताप से जो है प्रभावित नहीं होता है, इसे इंग्लिश में मोलैलिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोललता प्रदर्शित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम पर लीटर, सेकेंड है लीटर पर मोल, थर्ड ऑप्शन है मोल पर लीटर एंड लास्ट ऑप्शन है मोल पर किलोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, मोल पर किलोग्राम में जो है मोललता को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है चीनी, सेकेंड है सोडियम एसीटेट, थर्ड है यूरिया एंड लास्ट ऑप्शन है बेंजीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला जो होता है वह C3CONa होता है। यूरिया का फार्मूला जो है NH2, रुकिएगा हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बॉन्ड उसको समझ लेंगे, NH2CONH2 या क्या है यूरिया का फार्मूला है, इसे जो है डाईएमाइड क्या कहा जाता है, डाईएमाइड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलरता बढ़ाने में, सेकेंड है मोललता घटने में, थर्ड ऑप्शन है मोल अंश बढ़ाने में एंड लास्ट ऑप्शन है W/W% बढ़ाने में, मतलब कि weight/weight% बढ़ाने में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, मोलरता बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, एक विलयन के हिमांक में अनुमान के कारण साम्यावस्था इनमें होती है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव विलायक और ठोस विलायक, सेकेंड है द्रव विलायक और ठोस विलय, थर्ड ऑप्शन है द्रव विलय और ठोस विलय एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, द्रव विलायक और ठोस विलायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमांक का उन्मन, सेकेंड है क्वथनांक का उन्नयन, थर्ड है प्रकाशीय क्रियाशीलता एंड लास्ट ऑप्शन है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। तो पूछा कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। अगला प्रश्न है, 25 सेंटीग्रेड पर किसमें 0.1 मोल विलयन का प्रसरण दाब उच्चतम होगा, हाईएस्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है CaCl2, सेकेंड है KCl, थर्ड है ग्लूकोज एंड लास्ट ऑप्शन है यूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, CaCl2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलरता, सेकेंड है मोललता, थर्ड ऑप्शन है मोल अंश एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोलरता होता है इसी पे क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और मोललता पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मोलरता। अगला प्रश्न है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 मोल है, इसकी नॉर्मलता क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 9 नॉर्मल, सेकेंड है 0.3 नॉर्मल, थर्ड ऑप्शन 3 नॉर्मल एंड लास्ट ऑप्शन है 1 नॉर्मल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 9 नॉर्मल। अगला प्रश्न है, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म वह गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कणों के आकार पर, सेकेंड है विलायक की प्रकृति पर,
थर्ड है केवल कणों की प्रकृति पर, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल कणों की संख्या पर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, केवल कणों की संख्या पर। अगला प्रश्न है किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, तो विलयन की मोलरता क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0.25, सेकंड है 0.5, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है 10। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 0.25। अगला प्रश्न है समपराशरी विलयन में समान होती है, तो समपराशरी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या समान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलर सांद्रता, सेकेंड मोललता, थर्ड ऑप्शन नॉर्मलता एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समपराशरी विलयन में क्या होता है, प्रसरण दाब, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रसरण दाब होता है, प्रसरण दाब और जो है मोलर सांद्रता दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सेकेंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है यूरिया एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पे जो है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है मोल अंश, सेकेंड है पार्ट पर मिलियन, थर्ड है द्रव्यमान प्रतिशत एंड लास्ट ऑप्शन है मोललता। तो विलयन की इकाई की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए जो मोल अंश जो है वही उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। सेकेंड है विलयन में घुले विलय कणों की प्रकृति पर, सेकेंड है विलयन में विलय कणों की संख्या, थर्ड ऑप्शन है विलयन में घुले विलय कणों की भौतिक गुणों एंड लास्ट ऑप्शन है विलयन के कणों की प्रकृति। तो अणुसंघ के गुणधर्म जो होते हैं वह जो है विलयन में विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए, हाइएस्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1.0 मोल NaOH, सेकेंड है 1.0 मोल Na2SO4, थर्ड है 10 मोल NH4NO4 एंड लास्ट ऑप्शन है 1.0 मोल KNO3। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 1.0 मोल Na2SO4। अगला प्रश्न है प्रति किलोग्राम विलायक विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोलरता, सेकेंड है मोललता, थर्ड ऑप्शन है सामान्यता एंड लास्ट ऑप्शन है मोल अंश। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मोललता कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है C2H5OH तथा H2O, सेकेंड है HNO3 तथा H2O, थर्ड ऑप्शन है CsCl3 तथा CH3COCH3 एंड लास्ट ऑप्शन है C6H6 तथा C6H5CH3। तो पूछा क्या है कौन एक ऐसा है जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, तो बेंजीन और जो है टालून यही दोनों क्या हुए, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है C6H6 तथा C6H5CH3, सेकेंड है C6H6 तथा CCl4, थर्ड ऑप्शन है CsCl3 तथा C2H5OH एंड लास्ट ऑप्शन है CsCl3 तथा CH3COCH3। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन जो है क्लोरोफॉर्म और जो है एथिल अल्कोहल शो करते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है C6H6 तथा CCl4, सेकेंड है C6H5CH3 तथा C6H6, थर्ड ऑप्शन है C6H6 तथा C2H5OH एंड लास्ट ऑप्शन है CsCl3। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे CsCl3 होना चाहिए तथा CH3COCH3। सो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, CsCl3 तथा एसीटोन जो है यहाँ पे CH3COCH3 एसीटोन जो है यही ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के 0.10 मोल विलयन में कौन सा अनुमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है, मतलब कि 0.10 मोल विलयन में जो है कौन एक ऐसा जो कि अनुमन जो है सबसे अधिक प्रदर्शित करता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है K2SO4, सेकेंड AL2SO4 का होल थ्राइस,
थर्ड है KCl एंड लास्ट ऑप्शन है C6H12O6। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला Al2SO4 का होल थ्राइज। अगला प्रश्न है 0.1 मोल BaNO2 का होल ट्वाइज घोल का 1/2 गुणा 2.74 है तो विघटन स्तर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा 91.3%, सेकेंड 87%, थर्ड 100% एंड लास्ट ऑप्शन है 74%। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 87%। अगला प्रश्न है केन सुगर जिसका अणुभार यहाँ पे 342 दिया गया है, के 5% एक घोल पदार्थ, यक्स के 1% घोल के आइसोटॉनिक है, यक्स का अणुभार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 68.4, सेकेंड है 34.2, थर्ड ऑप्शन है 171.2 एंड लास्ट ऑप्शन है 136.2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला 68.4। अगला प्रश्न है प्रासरण होता है, यहाँ पे लिखा है प्रासरण ना, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए प्रासरण ऑस्मोसिस के दौरान। प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जल का प्रवाह होता है किसकी तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर, सेकेंड है अपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान अनइक्वल अर्थात भिन्न, थर्ड ऑप्शन है मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर एंड लास्ट ऑप्शन है मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो प्रासरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाएंगे, कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन विलयन की तरफ। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमन अधिकतम होगा। फर्स्ट ऑप्शन है K2SO4, सेकेंड है NaCl, थर्ड है यूरिया एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अनुमन अधिक होगा। अगला प्रश्न है किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 0.25, सेकेंड है 0.5, थर्ड है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है 10। गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा टिक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 0.5। अगला प्रश्न है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 0.1, सेकेंड 0.5, थर्ड 5.5 एंड लास्ट ऑप्शन है 55। तो 234.2 ग्राम शुगर के घोल में जो है सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम शुगर है, तो घोल है उसकी मोलर सांद्रण क्या होगा ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उसका मोलर सांद्रण जो होगा वह 0.5 होगा। अगला प्रश्न है किसी घोल 1 मोल का प्रासरण दाब निरूपित किया जाता है किसके द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है πST/C, सेकेंड है πCT/S, थर्ड है πSC/T एंड लास्ट ऑप्शन है πC/ST। तो किसी घोल 1 मोल का जो प्रासरण दाब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे जो है πST/C के द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया है, इस विलयन में 100 सेंटीग्रेड पर जल का वामदात क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7.60 टोर, सेकेंड है 76.00 टोर, थर्ड ऑप्शन है 752.40 टोर एंड लास्ट ऑप्शन है 79.00 टोर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 752.40 टोर। अगला प्रश्न है निम्न में से राउल्ट के नियम उपयुक्त नहीं हैं, 1 मोल NaCl के लिए, 1 मोल यूरिया के लिए, सेकेंड है थर्ड ऑप्शन है 1 मोल ग्लूकोज के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है 1 मोल सुक्रोज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 1 मोल NaCl के लिए राउल्ट का नियम उपयुक्त नहीं है।
अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में किस गैस के मिश्रण को डालते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, सेकेंड ऑक्सीजन प्लस जीनॉन, हाँ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस आर्गन, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन प्लस नियॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण जो है डाला जाता है सिलेंडरों में। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है H2O HNO3, सेकेंड है C6H6 CH3OH, थर्ड ऑप्शन है H2O और HCl, एंड लास्ट ऑप्शन है CH3COCH3 और CHCl3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो C6H6 बेंजीन और मिथिल एल्कोहल है, ये राउल्ट के नियम से जो है पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन जो है शो करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन अणुसंघ गुणधर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्वथनांक का उन्नयन, सेकेंड है प्रसार दाब, थर्ड है ऑप्टिकल गतिविधि, एंड लास्ट ऑप्शन है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ऑप्टिकल गतिविधि जो है वह अणुसंघ गुणधर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थिर कौथी मिश्रण है? यहाँ पे कौसी नहीं कौथी रहेगा, क्या रहेगा? था रहेगा, स्थिर कौथी। तो पूछा कि निम्न में से कौन स्थिर कौथी है? फर्स्ट ऑप्शन है CCl4+CHCl3, सेकेंड है C6H14+C7H16, थर्ड ऑप्शन है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड C2H5Cl, लास्ट ऑप्शन है C5H5Cl+C6H5Br। सो यहाँ पे स्थिर कौथी मिश्रण जो है वह ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, क्या यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में स्थिर कौथी मिश्रण है। यहाँ पे वही नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1.0 मोल NaOH, सेकेंड 1.0 मोल Na2SO4, थर्ड 1.0 मोल NH4NO3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1.0 मोल KNO3। तो पूछा जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो 1.0 मोल Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जो है क्वथनांक अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, एक घोल जिसका प्रसार दाब 300 केल्विन टेम्परेचर पर 0.0821 वायुमंडल है, एटमॉस्फियर है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0.66 मोल, सेकेंड पॉइंट है 0.32 मोल, एंड थर्ड है 0.066 मोल, लास्ट ऑप्शन है 0.033 मोल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 0.033 मोल, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, HClMH2O के स्थिर कौथी मिश्रण में क्या होगा? यहाँ पे देखो स्थिर कौथी सही से लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है 48% HCl, सेकेंड है 22.2% HCl, थर्ड ऑप्शन है 36% HCl, एंड लास्ट ऑप्शन है 20.2% HCl। तो HClMH2O के स्थिर कौथी मिश्रण में जो है 20.2% HCl होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 मोल NaCl, सेकेंड 0.1 मोल सुक्रोज, थर्ड 0.1 मोल BaCl2, एंड लास्ट ऑप्शन है 0.1 मोल ग्लूकोज। तो किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 0.1 मोल BaCl2। अगला प्रश्न है, गन्ने की चीनी का मोलर द्रव्यमान 342 का 5% विलयन किसी पदार्थ X के 1% विलयन के साथ संप्रासारी है, X का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो यह क्वेश्चन जो हमने वहाँ पे भी ऊपर आपको कराया था केन सुगर करके, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 68.4 है। वहाँ पे देख लीजिए केन सुगर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, गन्ने की चीनी का। तो यही क्वेश्चन वहाँ पे केन सुगर करके दिया था, और यहाँ पे गन्ने की चीनी कर का पूछा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है लिखकर पूछेगा और आप लोग को आता रहेगा, बट आप लोग जानते हुए भी हो सकता हो मिस्टेक करके चले आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ और कंसंट्रेट होकर जो है लेक्चर को, वीडियो को पढ़ा कीजिए, जिससे आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन वही है जो कि हमने अभी ऊपर किया था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 68.4। अगला प्रश्न है, बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश 0.2 है, इस विलयन की मोललता क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 14.0, सेकेंड 33.2,
एंड थर्ड ऑप्शन है 14, लास्ट ऑप्शन 2.0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 3.2। अगला प्रश्न है, जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाली ग्लिसरीन C3H5OH का होल साइज बिलियन का मोल अंश क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.46, सेकंड 0.40, थर्ड 0.20 एंड लास्ट ऑप्शन है 0.36। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 0.40। अगला प्रश्न है, कौन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा TF, सेकेंड है पाई, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा TB एंड लास्ट ऑप्शन है KBE। तो KAB जो यहाँ पे KBE करके दिया है वही क्या अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, 0.3 मोल फास्फोरस की नॉर्मलता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 नॉर्मल, सेकेंड 0.6 नॉर्मल, थर्ड 0.9 नॉर्मल एंड लास्ट ऑप्शन है 0.1 नॉर्मल। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे जो 0.6 नॉर्मल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल पर्सनलीट। जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पर्सनलीट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल।